इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस की जॉब प्रोफाइल के बारे में, उसकी सैलरी के बारे में, प्रमोशन के बारे में और टाइमिंग क्या है जॉब की। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो इसमें जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो हैं पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती हैं, प्रमोशन क्या है उसके, वर्क ऑफ एमटीएस, एमटीएस के कार्य क्या हैं, क्या क्या करना पड़ेगा आपको सेलेक्ट होने के बाद, जॉब टाइमिंग क्या है इसमें और सैलरी और बेनिफिट्स क्या हैं। एसएससी एमटीएस जो है ग्रेड डी की जॉब है, लेकिन ये कोई प्यून की जॉब नहीं है कि आपको जो है सफाई करनी है, रूम क्लीनिंग करनी है, आपको पानी पिलाना, ऐसा एक्चुअली में कुछ करना नहीं है। आप जो है वीडियो को देखते रहिए, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो पोस्टिंग की बात कर लेते हैं हम। तो पोस्टिंग जो है हमारा वन स्टेट लाइफ टाइम होगा। और अगर आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म फिल किए होंगे तो उसमें स्टेट वाइज जो है फिल होता है, उसमें आपको स्टेट प्रेफरेंस पूछता है, उसी स्टेट के अकॉर्डिंग कट ऑफ जाती है। और अगर आप कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं तो उस स्टेट के किसी न किसी एक डिपार्टमेंट, जैसे आपका स्कोर होता है, किसी न किसी एक डिपार्टमेंट में आपको जो है पोस्टिंग मिल जाती है। और उसी डिपार्टमेंट में और उसी जो है स्टेट में आप लाइफ टाइम के लिए जो है जॉब करेंगे। ओनली वन डिपार्टमेंट पोस्टिंग हमेशा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओनली वन डिपार्टमेंट में ही पोस्टिंग होगी। तीसरा जो है ट्रांसफ़र इन द सेम, ट्रांसफ़र होता है लेकिन सेम स्टेट में ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर यूपी में काम कर रहे हैं तो कल आपका एमपी में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और जो है अगर आप दिल्ली में जॉब कर रहे हैं तो आपको महाराष्ट्र में, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। और जो है प्रमोशन की बात कर लेते हैं हम। तो प्रमोशन जो है दोस्तों इसमें 4 से 5 ईयर का होगा। एसएससी एमटीएस में जब आप सिलेक्ट होंगे तो ग्रेड डी की पोस्टिंग मिलेगी, जिसमें आपको फाइल से रिलेटेड काम, कंप्यूटर वर्क, ईमेल, ये सारी मतलब मल्टीटास्क, मतलब कोई भी काम, जैसे ही आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी, जैसा आपको उनको समझ में आएगा कैसा आप कर, क्या काम कर सकते हैं, वैसे ही आपको काम मिलेगा। कोई फिक्स काम नहीं होता कि यही काम आपको करना है। आप वीडियो अंत तक देखिए, आपको सारी चीज़ का क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। तो प्रमोशन जो है 4 से 5 साल तक में होगा। तो पहला प्रमोशन जो होगा उसमें आप लोअर डिवीजन क्लर्क, जो एसएससी सीएचएसएल जो नाम का जो एग्ज़ाम होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का, उसमें अगर क्वालिफाई करते हैं तो आपको लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्टिंग मिलती है। अगर आप और अच्छे मार्क आते हैं तो एलडी जो है डीईओ डेटा एंट्री ऑपरेटर की आपको पोस्टिंग मिलती है। तो इसमें एमटीएस में सिलेक्ट होते हैं तो आपको 4-5 साल बाद आप एलडीसी बन जाते हैं। उसके बाद एलडीसी के बाद यूडीसी, और उसके बाद जो है असिस्टेंट बन जाएंगे किसी न किसी डिपार्टमेंट में। असिस्टेंट जो, असिस्टेंट जैसे बहुत सी जॉब होती है, असिस्टेंट इन रेलवे मिनिस्ट्री, किसी न किसी मिनिस्ट्री में, एक्सटर्नल अफेयर, किसी न किसी जिस मिनिस्ट्री में आप रहेंगे उसके जो है असिस्टेंट, जो कि सीजीएल लेवल की पोस्टिंग है। तो प्रमोशन आप मान के चलिए 4-5 साल या 6-7 साल भी हो सकते हैं। और इनके डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ग्रेड डी जो है ज्वाइनिंग की है तो ग्रेड डी में ही आप रिटायरमेंट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें जो है पोस्ट आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, बहुत ही अच्छी जॉब है, आपको जो है टाइम टू टाइम जो है प्रमोशन होता रहेगा। तो ड्यूटीज़ की बात कर लेते हैं। ड्यूटीज़ में बहुत लोगों को डाउट है कि सिलेक्ट होने के बाद क्या करना है, क्या नहीं करना है, कुछ किसी चीज़ का क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो इसमें हम आपको सीधा सा बता देते हैं क्या क्या काम करना है। कंप्यूटर रिलेटेड वर्क करने हैं, जैसे भी आपकी स्किल रहेगी, फाइल रिलेटेड वर्क तो काम आजकल कम ही हो रहा है, कंप्यूटर रिलेटेड ही काम हो रहे हैं, तो ज़्यादातर आपको कंप्यूटर रिलेटेड काम कर, अगर आपको कंप्यूटर चलाना अच्छा सा आता, जैसे आपकी स्किल रहेगी तो आपको वैसे ही काम दिया जाएगा। पेपर रिलेटेड वर्क भी दे सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं कि क्या काम आपको दिया जाएगा, इसीलिए इसका नाम ही मल्टी टास्किंग स्टाफ। टेलीफोन रिलेटेड भी काम दे दिया जा सकता है, ईमेल्स रिलेटेड भी काम हो सकते हैं आपके। बात कर लेते हैं जॉब टाइमिंग की। तो जॉब टाइमिंग जो इसमें है 9 AM से 5 PM, मतलब आपको सुबह 9 बजे जाना है, 5 बजे लौट आना है। कोई भी एक्स्ट्रा काम इसमें नहीं है आपको, जैसा कि इसमें मेंशन भी किया गया है, नो एक्स्ट्रा वर्क। 5 डेज वर्किंग होती है, मतलब मंडे टू फ्राइडे ही वर्क करना है आपको। सैटरडे और संडे हॉलीडे रहेगा आपको। सोचिए कितनी अच्छी जॉब है, जो है आपको हफ्ते में 2 दिन छुट्टी मिल रही है, नो एक्स्ट्रा वर्क है, 9 से 5 ही जॉब है आपको, कोई ओवरलोड नहीं है। और गेस्टेड हॉलीडे अलग से जो छुट्टियां रहती हैं वो सभी, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, ये सारी छुट्टियां तो आपको मिलती ही रहेंगी। तो बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए हम लोग फॉर्म भरते हैं, जिसके लिए हम लोग पढ़ाई करते हैं, दैट इज सैलरी। सैलरी और बेनिफिट्स क्या मिलेंगे हमको? तो सैलरी जो हमें मिलने वाली है,
जो ग्रॉस सैलरी होती है इनकी 23 से 25 हज़ार, 23 से 24 हज़ार होती है। ये डिपेंड करता है आपका किस स्टेट में आपकी पोस्टिंग है। लेकिन जो आपको इन हैंड मिलेगी वो 18 से 20 हज़ार, हाँ ये स्टार्टिंग सैलरी है। 18 से 20 हज़ार आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी। फिर उसके बाद धीरे धीरे एग्जाम सॉरी धीरे धीरे जो है आपका जो है वो इंक्रीमेंट होता रहेगा। डीए हाउस रेंटल अलाउंस, ये सारी चीज़ें जो और बेनिफिट्स जो सारी चीज़ें हैं वो सब इंक्रीमेंट होते रहते हैं क्वार्टरली। और इसमें फ्री एजुकेशन टू चाइल्ड मिलेगा। आपके आपके बच्चों को मतलब जो भी एजुकेशन है उसके लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पे करेगी। मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलेगी आपके परिवार को। और पेंशन स्कीम भी इसमें है। और जॉब सिक्योरिटी रहेगी क्योंकि आपकी गवर्नमेंट जॉब है, तो इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं है कि कल को आपको निकाल दिया जाएगा जैसा कि प्राइवेट में होता रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें टाइम टाइम प्रमोशन होता रहता है। सबसे बड़ी बात, टाइम टू टाइम प्रमोशन होता रहेगा। ऐसा नहीं कि आप प्यून पे सिलेक्ट हो गए हैं या जो है ग्रेड डी की पोस्ट पे हैं तो आप जो है आराम से जो है ग्रेड बी तक 20-25 साल में आराम से पहुँच सकते हैं। ग्रेड बी की जॉब तक आप पहुँच जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, डेफिनेटली मैं उसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।